खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मऊ जिले के मधुबन थाना तहसील के अंतर्गत दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज के बच्चों ने 26 जनवरी के शुभ अवसर पर झंडा फहराकर सबके मन को जीत लिया। क्या खूब नजारा देखने को मिला मधुबन क्षेत्र के दुलारी देवी विद्यावती स्कूल पर। बच्चे ऐसा तिरंगा लहराए कि शायद ही कहीं कोई देखने को मिला होगा। स्कूल में सरस्वती गीत लेकर श्वेता महिमा सलोनी ने समा बांध दिया, जबकि स्वागत गीत शिल्पी रोशनी माधुरी ने बहुत ही मधुर स्वर में गाया। स्कूल के प्रबंधक सिमलेश मौर्य ने इस गणतंत्र दिवस पर कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, 26 जनवरी के दिन उन्हें याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इस राष्ट्रीय पर्व के दिन राजपथ पर अद्भुत झांकियां निकाली जाती है, तो वहीं देश भर के स्कूलों में गणतंत्र दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। स्कूल के छात्र रिपब्लिक डे के कुछ दिन पहले ही खास तैयारियां कर लेते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य रत्नेश मौर्या ने बच्चों के उत्साह के साथ रिपब्लिक डे पर रंगारंग कार्यक्रम के दिन तिरंगा हर बच्चों को हाथ में देते हुए बच्चों को नारे लगवाए और कहा कि भारत हमारा देश है, अब इस पर कोई आंच न आने देंगे। हम आपको बता दें कि मधुबन क्षेत्र में कहीं ऐसा रंगारंग कार्यक्रम देखने को नहीं मिला जो 26 जनवरी को दुलारी देवी के इंटर कॉलेज में था। और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में स्कूल के टीचर लक्ष्मण मौर्य, राम बहादुर, प्रिया मौर्य आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज के पूरे परिवार के तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो पर्व है हमारा सारे पर्वों में सबसे अनमोल पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को आज हम लोग अपने विद्यालय के प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं और इसमें सभी क्षेत्रवासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और सभी क्षेत्रवासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो इसमें सहयोग किए। और ये जो आपका इंडिया न्यूज का चैनल है इसको भी हम धन्यवाद करते हैं जिसने इस विद्यालय परिवार में आकर के अपना कीमती समय दिया और इन बच्चियों को, जो बच्चियां ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हुई हैं और यहाँ पर वे इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। और मेरी एक ही सोच है कि इन सारे बच्चे बच्चियों को हम एक ऐसा मुकाम तक पहुँचाएं जिससे ये अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करें। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से यह बात सभी देशवासियों, सभी क्षेत्रवासियों को कहते हैं, आप लोग बस सहयोग करिए। दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज हमेशा आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक की भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।